सुप्रभात बच्चों, आज हम देखेंगे पाठ नंबर 6, निसर्ग वैभव पूरक पठन। ये एक कविता है, इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन। आए देखते हैं कविता का सरल अर्थ। कितनी सुंदर था बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाहा में निस्वर। हम इसके पहले शब्दार्थ देखेंगे। प्राकृतिक, प्राकृतिक यानी क्या? निसर्ग ने निर्माण की हुई सुंदरता। गिरी शिखरो यानी पर्वत की चोटी। निस्वर यानी बिना आवाज, फिर बिना आवाज किए यानी चुपचाप। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ए ईश्वर, इस प्राकृतिक जगत में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है। बिखरी यानी यहाँ वहाँ फैली हुई है, गिरी शिखरों पर, घाटियों में, कहाँ धूप है तो कहीं छाव पसरी हुई है। ऐसा इस पंक्तियों में कवि ने कहा है और इस सुंदरता का हमें आनंद लेना चाहिए, ऐसा भी वो कह रहे हैं। अनिल स्पर्श से पुलंकित तृणदल वैती सीमाहीन, क्षण संगीत स्रोत्र सी अरह वन भूमरमर। देखो इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि देखो अभी शब्दार्थ देखेंगे। अनिल, अनिल यानी पवन यानी हवा, पुलंकित यानी आनंदित, तृणदल यानी तीन को एक समूह रहता है, ऐसी एक घास रहती है उसको बोलते हैं तृणदल को, घास भी कहेंगे, तृणदल को तीन का समूह भी बोलेंगे। श्लन यानी मधुर, अहरह यानी प्रतिदिन दररोज, वन यानी जंगल, भूमरमर यानी पत्तों की हिलने की आवाज, यानी प्रतिदिन पत्तों की हिलने की आवाज आती है ना जंगल में, भूमरमर वो होती है। देखो यहाँ पर कवि कहते हैं कि यहाँ से वायु के स्पर्श से धरती पुलंकित होती है। वायु यानी हवा के स्पर्श से जो धरती है, जो जमीन है, वो क्या होती है? पुलंकित होती है। और ये हवा वायु बहने से प्रतिदिन वन भूमि में पत्तों की हिलने वाली आवाज का ध्वनि कैसा लगता है? मधुर संगीत के जैसा लगता है, ऐसा वर्णन इस पंक्तियों में कवि ने किया है। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल उधर मधु पीते गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती। देखो यहाँ पर कवि कहते हैं कि शीतल यानी क्या? ठंडक। मुकुल यानी कली, फूल की कली। मधु यानी मध। गुंजन यानी गुनगुन की आवाज, जो भवरा रहता है उसके गुनगुनने की आवाज। मधुकर यानी भवरा। देखो यहाँ पर कवि ने फूल पक्षी कैसे प्राकृतिक जगत में प्रसन्न लग रहे हैं, ये वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है कि फूलों की शोभा नेत्रों को यानी आँखों को शीतलता प्रदान करती है। जो भंवरे हैं वो क्या कर रहे हैं? दल गुंजन करते हुए कलियों का रस पी रहे हैं। जो तितलियाँ हैं वो क्या कर रही है? उड़ रही है। दूर घनों वृक्षों में वो क्या कर रही है? कोयल अपना मधुर स्वर गा रही है, ऐसा वर्णन इस पंक्तियों में कवि ने किया है। देखो दूर कहीं पल्लव छाया में रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल, यानी जो जहाँ पे दूर दूर पर जो वन है, जो जंगल है, उस जंगल में जो कोयल है वो क्या कर रही है? मधुर गाना गा रही है। देखो इस पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं? लेटी नीली छायाए कृष रवि किरणों में गुम्फित,
दुरारोह भाति ढाले निश्चल तरंगसी स्तंभित स्वर्ण भालगिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन साज यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। यानी इस पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ये जो रवि की कोमल किरणों है वहाँ पर जो गुथी छाया है वो लंबे ताड़ों पर बढ़ रही है। देखो पुरुष याने क्या कहा है, नुकली, रवि याने सूरज, गुम्फित यानी एक के अंदर एक गुम्फने वाला धागा, दुरारोह यानी ताड़ का वृक्ष जो बहुत ऊंचा रहता है उसके बोलता है बोला जाता है दुरारोह यानी ताड़ का वृक्ष, भाति यानी जैसा, निश्चल तरंग सी स्तंभित, स्तंभित यानी स्थिर कभी भी न हिलने वाला, स्वर्ण यानी सोनेरी, गिरि यानी ऊंचा शिखर, उषा यानी सुबह मॉर्निंग, निर्जन यानी कहीं भी, संध्या वंदन यानी शाम का टाइम उसे बोला जाता है संध्या वंदन। यानी यहाँ पर बोला है कि जो भी सूरज का आना जाना है, सूरज यानी रवि यानी सूरज, सूरज का आना जाना इस पंक्तियों में कवि ने बताया है कि सूरज का आना जाना कैसा है कि सूरज जब आता है तब गिरी शिखरों पर क्या हो जाता है, स्वर्ण यानी सोने के जैसी किरणें, सोने के जैसा जो धूप है वो सोना प्रकट करता है ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। और उन्होंने बोला है कि जो भी सूरज है वो गिरी शिखरों को क्या करता है, अभिनंदन करता है, उसको प्रणाम करता है। जो साज है यानी जो संध्या है, शाम का टाइम है, वहाँ पर जब सूरज ढलता है तो वहाँ पर भी कौन सी किरणें आती हैं, सोने की जैसी ही किरणें आती हैं ऐसा वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है कि जो भी किरणें हैं वो संध्या के टाइम पे यानी शाम के टाइम पे क्या करती हैं, इधर उधर छुप कर खेल खेलती हैं ऐसा वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। वो बोला और कवि कहते हैं कि यही जो प्राकृतिक जगत का जो सौंदर्य है उसका अनुभव हमने लेना चाहिए, ऐसा कवि का कहना है। आगे वाला भाग हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ओके थैंक यू। ये जो कविता हमने पढ़ी है, जो शब्दार्थ है वो अपने नोटबुक में आप लिखो।